बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हमारे हमरा बाकी डिपार्टमेंट्स के अफसर साहिबान भी आए हैं और यहाँ के हेडमास्टर साहब, यहाँ की सरपंच साहिबान, इनके साथ वार्ड मेंबर्स और स्कूल के बाकी कर्मचारियों और प्यारे बच्चों, आज इस बात की है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जो ये स्कीम लॉन्च की है 20 जून से 27 जून तक का, जिसको नाम दिया गया है बैक टू विलेज, कि हर एक कस्टेड ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गांव में जाकर लोगों के बीच में बैठेगा और उनकी मुश्किलात सुनेगा और उनका हल तलाश करेगा। हम जानेंगे कि ग्रास रूट लेवल पे लोग कैसे जीते हैं, क्या उनको मुश्किलात दरपेश है, उसका हल डिपार्टमेंट्स एक नहीं बल्कि सब डिपार्टमेंट को मिलकर कैसे उसका हल तलाश कर पाएंगे। तो इस सिलसिला में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक लेटर रखा है जिसको एड्रेस करना है सरपंच के नाम। सरपंच का मतलब यहाँ ये नहीं कि एक व्यक्ति का, सरपंच का मतलब है यहाँ की आवाम। तो जिस पंचायत के लोगों की सरबराह बनी है हमारे हमारे पीआर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, जिनको क्या हम कहते हैं सरपंच और पंच, तो ये लेटर हम आपको पढ़ के सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री साहब ने क्या मैसेज आप लोगों तक दी है। वजीर आजम, प्यारे सरपंच साहब, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम भाई और बहन आपकी पंचायत में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं, जो कि आप लोगों ने पक्के इरादे और गर्मजोशी के साथ एक मजबूत सरकार बनाने का काम किया है। एक नए भारत का निर्माण तभी मुमकिन है जब आपकी मौजूदगी और आपका ताउन हमारे साथ है। बरसात का मौसम नजदीक है और ऊपर वाले की मेहरबानी से हमारे पास बारिश की कमी नहीं, लेकिन इस पानी को सही इस्तेमाल लाना ही हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम सब लोग इकट्ठे होकर जरूरी काम करें, जिसमें बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे चेक डैम, बांस, स्ट्रीम्स, रिवर्स, तालाब की खुदाई और तालाब की सफाई, जिसमें बारिश का पानी जमा हो सके। अगर हम बारिश के पानी को रोक पाए और खेत में इस्तेमाल करें तो यकीनन न सिर्फ पैदावार बढ़ेगी बल्कि पानी का जखीरा भी बना रहेगा। ये जमा खाता पानी गांव में मुख्तलिफ जरूरियात के हिसाब से गांव में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं चाहता हूं गांव का इजलास मुनक्कद हो, जिसमें ये भरकर लोगों को सुनाया, पढ़कर लोगों को सुनाया जाए और मसले जेर बहस लाकर उनका हल तलाश करें। मुझे पूरा एतमाद है कि हम सब लोग मिलकर देहात में पानी का एक एक बूंद बचाकर गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। जैसे आप लोगों ने स्वच्छता की सेवा मुहिम को लोगों की मुहिम बनाई, उस उम्मीद करता हूं ऐसे ही पानी को रोकने व बचाने की मुहिम को भी लोगों की मुहिम बनाएंगे। आइए मिलकर नए भारत का निर्माण करें और नामुमकिन को मुमकिन बनाएं।